हिंदुस्तान में खासतौर पर और पूरी दुनिया में आमतौर पर ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म सितमों और मुसलमानों पर अंग्रेज़ों द्वारा किए जाने वाले जुल्म और अत्याचार को देखते हुए 18 जुलाई सन 1920 और नवंबर 1920 में इलाहाबाद में आयोजित एक जलसे में मौलाना मोहम्मद अली जोहर, मौलाना मोहम्मद अली शौकत और तहरीक खिलाफत के दूसरे मेंबरान ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस बात पर आमदा किया कि अंग्रेज़ी हुकूमतों में रहना अब नाजायज है। अब हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदुस्तान से हिजरत करके अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। इस संबंध में तहरीक खिलाफत के अराकिन ने बहुत ज़ोर शोर से तहरीक हिजरत चलाई और अंग्रेज़ों की हुकूमत छोड़कर हिंदुस्तान से अफगानिस्तान को पलायन कर जाने के लिए उल्मा से फतवा लेना शुरू किया। इस संबंध में मौलाना मोहम्मद अली जोहर और मौलाना मोहम्मद अली शौकत तहरीक खिलाफत और तहरीक हिजरत की तायद और समर्थन मांगने के लिए सन 1920 में आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी पास सौदागरन बरेली शरीफ आए और दोनों भाइयों ने कहा कि आप एक वसी हलका के रूहानी पेशावा हैं, आपसे गुजारिश है कि इन तहरीकात में आप हमारा साथ दो। इसके जवाब में आला हजरत ने फरमाया कि अगर मुल्क आज़ाद कराना है तो मुसलमानों की अपनी एक मजबूत तंजीम बनाओ। के साथ ही सरकार आला हजरत ने मौलाना मोहम्मद अली जोहर को आज़ादी हिंद के संबंध में बहुत सी मुफीद और कार आमद बातें की, अहम टिप्स भी दिए, जिसे सुनकर मौलाना मोहम्मद अली जोहर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अकीदत व आस्था के साथ आला हजरत के हाथों को चूमा और बोसा दिया। आपको बता दें कि अली ब्रादरान जब आला हजरत की बारगाह में आए थे तो उन्होंने अभी कुछ कहा भी नहीं था और ना ही आने का मकसद बताया था, मगर आला हजरत ने अपनी रूहानी शक्ति से उनके आने के मकसद को जान लिया था और उनके बोलने से पहले ही जो कुछ वह सोच रहे थे उसे बता दिया था। आला हजरत की इस करामत को देखकर अली ब्रदरान बहुत प्रभावित हुए। इसके साथ ही आला हजरत ने तहरीक हिजरत की पुरजोर मुखालफत की थी क्योंकि अंग्रेज़ों की जालिम हुकूमत से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का इलाज यह नहीं था कि हिजरत और पलायन किया जाए, बल्कि आला हजरत का मकसद यह था कि यही रहकर अंग्रेज़ों की जालिम हुकूमत से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जंग लड़ी जाए। हिजरत करने में तो मुसलमानों का भी नुकसान था। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।